मिनी, वो है ना तेरी पूनम मासी आई थी, तो शादी के गिफ्ट के बदले में केरल के टिकट दे के गई है, कोई हॉलिडे पैकेज है। अच्छा रियली? आओ यार, कब निकल रहे आप दोनों? अरे मिनी कल रात ही जाना है, इसलिए तो मैं तेरे हनुमान अंकल से कह रही हूँ कि जल्दी से तैयार वगैरह हो जाते, खाना वाना खा लीजिए, फिर पैकिंग की तैयारियां करना है। तो जी वो आपने अपनी पैकिंग कर ली? जी हाँ, मैंने तो अपनी सारी पैकिंग कर ली है। मिनी तू भी अपना सामान पैक कर ले। मैं क्यों? अरे तेरी पूनम मासी ना एकदम भुलक करे, दो ही टिकट्स बुक किए, फिर मैंने ना ऑनलाइन जाकर 3 टिकट्स बुक कर दिए। देख, तूने ही मुझे सिखाया था ना कि ऑनलाइन टिकट्स कैसे बुक किए जाते हैं, तो मैंने कर लिया और अब हम तीनों साथ में चलेंगे। ठीक है, लेकिन यार बे मैं क्या करूंगी यार जाकर? तो मिनी साथ में क्यों नहीं चलेगी तुझे? मैं यहाँ पे अकेला छोड़ सकती हूँ क्या? ऐसा हो सकता है भला, बता तू। और फिर मिनी हम दोनों को भी क्या अच्छा लगेगा, वहां पे हम घूमेंगे फिरेंगे और तू मतलब यहाँ पे मेरी प्यारी सी गुड़िया यहाँ पे अकेली रहे, अच्छा नहीं लगेगा ना मिनी, है ना जी? यार रुक एक सेकंड, सुन मेरी बात, मेरे ना एग्जाम शुरू हो रहे हैं और ऐसे कैसे करा रही तूने मेरी टिकट्स, एक बार पूछ तो लेती यार मुझसे। नहीं तो उसमें पूछने वाली क्या बात है मिनी, ऐसा हुआ है क्या कि कभी भी मैं कहीं भी तेरे बिना गई हूँ अकेली, बता तू। मेरे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, पढ़ना है मुझे, वैसे भी मैं पढ़ नहीं पाई, काफी पोर्शन बचा हुआ है मेरा, काफी पोर्शन कवर करना है, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना मेरे लिए यार, टाइम नहीं उतना मेरे पास। तो कोई नहीं ना मिनी, तू पढ़ाई वहां पे भी तो कर सकती है मिनी, 3 ही दिन की तो बात है, और तू एक काम कर अपने बुक्स वगैरह कैरी कर लेना। हनुमान अंकल आप ही समझाओ ना, बेब्स को समझती नहीं है। नहीं मिनी तो ये क्या समझाएंगे, पता कि खुद चाहते हैं कि इनकी वीर बालिका भी हमारे साथ चले। क्या चल रहा है तेरे मन में यार, बता मुझे क्यों तूने ऐसे बिहेव किया हनुमान अंकल के साथ? तेरे कैसे बिहेव किया बिनी, तूने देखा नहीं किस तरह से मुझ पे चिल्ला रहे थे वो, कैसे लड़के गए? एक शुरुआत तूने की ना, क्या जरूरत थी यार मुझे साथ में लेने की, तुम दोनों का वेकेशन था ना, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी होगा ना मैं चाहती हूँ कि तू उसका हिस्सा बने, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ ना। Come on यार babes, बट मुझ जैसी बड़ी बच्ची को साथ में लेके जा भी नहीं सकती ना। Come on यार, अब मैं तो छोटी सी बच्ची थोड़ी ना कि तो मुझे उंगली पकड़ के कहीं भी अपने साथ ले जाए हर जगह। मेरे लिए तो तू बच्ची है ना मिनी, माँ के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही होते हैं। क्या करूंगी आके तुम दोनों के बीच में, तू बता मुझे प्लीज यार, मैं ना ऐसे इंटरफेयर नहीं करना चाहती तुम दोनों की प्राइवेसी में, और ऑब्वियसली अगर तो मुझे ऐसे बीच में लेके जाएगी बिना किसी से पूछे तो हनुमान अंकल को तो वियर्ड लगेगा ना, इट्स वेरी नेचुरल रिएक्शन, इट्स ओके।
और अभी तक मुझे ऐसे नहीं फील हुआ है कि मैं कोई थर्ड पर्सन हूँ तुम दोनों के बीच में। लेकिन अगर तू ऐसे रिएक्ट करेगी तो फिर मुझे ऐसा फील होने लगेगा एंड देन आई विल बी वेरी गिल्टी। क्योंकि दुनिया तो यही कहेगी ना मिनी कि मुझे कोई परवाह नहीं है तेरी। बबीता की शादी क्या हुई, भूल गई अपनी बेटी को। कमो ने क्या कहा था तुझे याद है ना, सुना था ना तूने? फिर वही लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, एंड कब तक लोगों का मुंह देख के जीती रहेगी तू? व्हाट्स हैपेंड टू यू, टेल मी। तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा? पड़ा था, अब नहीं पड़ता। एक दिन जो कमो आंटी ने बोला था मुझे लगा था बुरा, बहुत बुरा। एक दिन तक परेशान भी रही थी मैं, लेकिन बेस देन आई रियलाइज कि ठीक है, कोई नहीं यार, ये कमो आंटी खत्री अंकल का क्या है, उनको जो बोलना था उन्होंने बोल दिया, हम क्यों अपनी लाइफ इफेक्ट होने दे। And then I trust you यार, माँ है तू मेरी, I trust हनुमान अंकल, फ्यूचर में भी ट्रस्ट करना चाहती हूँ मैं। कितना अच्छा आदमी है, सच अ गुड मैन, कितना कुछ किया उन्होंने हमारे लिए। तो ऐसे वियर्डली बिहेव मत करना उनके साथ, या कुछ प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर, स्पीक इट आउट, बात कर हनुमान अंकल से, एटलीस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्लियर होगी ना, वो समझेंगे तो सही, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा, एंड क्या पता उनके पास कोई सोल्यूशन हो। क्या पॉसिबिलिटीज ना कि वो ऐसा कुछ बोल दे जिससे तू कंफर्टेबल फील करे, या एटलीस्ट उन्हें तो तेरी प्रॉब्लम के बारे में फिर पता चलेगा। यू हैव टू टॉक अबाउट इट, हाग मत ऐसे, छिप मत उनसे, कोई सोल्यूशन ही निकल कर आएगा इससे। और फिर दादू भी कहते थे ना, भागना किसी चीज का सलूशन नहीं होता, इस तक सलूशन निकालना पड़ेगा यार भी, उसके लिए बात करनी होगी तुझे। जो प्रॉब्लम नहीं उसे इमेजिन कर करके प्रॉब्लम बना मत, हनुमान अंकल से बात कर बेब्स। डियर डायरी, आज मैं बहुत खुश हूं। आज मेरी बेब्स मेरे पास लौट के मेरे कमरे में नहीं आई, वो और हनुमान अंकल अब साथ हैं। थैंक गॉड। बेब्स यार अब तो अपनी जिंदगी जी ले तू, बिना किसी की परवाह किए, फॉर वंस यार। आई रियली होप अब बेब्स अपने फियर्स और अपनी इनसिक्योरिटी से लड़ सके। लाइक मैं कराटे टीचर यूज टू से, अपने फियर्स कन्फ्रंट करके ही जीत हासिल हो सकती है। मैं बेब्स को जीतते देखना चाहती हूँ, उसे लाइफ एंजॉय करते देखना चाहती हूँ, उसके चेहरे पे स्माइल देखना चाहती हूँ, फुलफिलमेंट की स्माइल, अंदर से खुश होने वाली स्माइल। आई होप मेरी विशेष पूरी हो जाए, कल की सुबह एक नई होप लेकर आए। आई विश। बेब्स, जल्दी आ यार, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ पर है? ये ब्रेकफास्ट रेडी नहीं किया अभी तक, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ यार। हाँ मिनी, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा पता नहीं कैसे सोते सोते इतनी देरी हो गई। सॉरी, मैं आज बहुत देर तक सोती रही। रुक जा, मैं अभी जल्दी से तेरा ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। एक काम कर, वो तुलसी जी में जाकर पानी डाल दे, और वो माता रानी के दरबार में जरा दिया जला दे, तो मैं ना नहीं हूँ ना अभी तक। अरे यार बेब्स, अब ये सब नहीं करना मुझे, माता रानी के उधर वो कराओ, तुलसी जी को पानी डलाओ, कर देना। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है? हाँ? नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ? मैं वो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तुलसी जी, मैं पानी डालना है ना, मैं पानी डाल के आती हूँ। हाँ हाँ श्योर ना? हाँ हाँ जाएंगे। लेकिन फिर मेरे एग्जाम खत्म होने का वेट क्यों कर रहे हो आप दोनों? वापस मत बोला कि मुझे भी साथ में लेके जा रहे हो। मैंने कहीं नहीं जा रहा, मैं अभी से बोल रही हूँ, तुम दोनों का वेकेशन है यार। अरे नहीं नहीं छोरी, तू चिंता मत कर, इस बार वही तुमने लेके ना जाएंगे साथ में, हम लोग का सेपरेटली प्रोग्राम है अकेले जाने का। पर जब तक मैं अरेंजमेंट ना कर लूँ ना कि हमारे जाने के बाद तेरे पीछे से ख्याल कौन रखेगा, कौन तुझे देखेगा, तब तक तो मुश्किल है। मैं नहीं लेती,
बस यही प्रॉब्लम है। अरे यार बेब, फिर लोडी क्या है? मैं पीत कौरी को बुला लूंगी ना मेरे साथ रहने के लिए। फिर लोडी नहीं है। बाय 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 सी यू। मिनी पर प्लीज से काम नहीं चलेगा। कोई बड़ा होना चाहिए तुझे देखने के लिए। सुन रही है ना तू? मैं नहीं जाने वाली। वरना मिनी तो सुन रही है ना मेरी बात? मैं नहीं जाने वाली। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।